अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख, और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आप कहती हूँ खुशामदीद। तुम्हारे साथ कोई ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, समझती? कोई मरना भी नहीं चाहता, कोई जीना भी नहीं चाहता। शदीद सिंगल, बट खैर कोई बात नहीं, हम अकेले ही काफ़ी हैं जीने के लिए। तो गाइस, अभी मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ। रात के 2:30 बजे उठ के मैंने सिनफ्लिक्स खाई थी, मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी, अब शुक्र है आराम है। और ये है मेरी फ्रेंड जिसने आज मास्क नहीं लगाया हुआ। प्रिया, तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया? दिखा दिया मैंने साइड पोस्ट तुम्हारा। ये देख सकते हैं हम बहुत टेमो टेम पहुंच गए ऑफिस गाइस। अभी पूरे 40 मिनट हैं, ओ नहीं 20 मिनट है, 40 मिनट पे पहुंचे हैं ऑफिस। सो रहे मेरे साथ। नवाज शरीफ जीत गए, तुम्हें पता लगा? जीत गए, वाओ। अनाउंस हो गया। खैर गाइस, यहाँ पे मैं आई हूँ कैश निकलवाने। मेरे पास अंडा कैश है, मेरा पर्स खाली है, तो मुझे चाहिए कैश। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए हमारे सबके लिए दुआ कीजिएगा। चलो जी गाइस, छुट्टी हो गई है। कितनी सुनसान सीढ़ी है, लेकिन अब मेरा फ्राइज़ खाने को बहुत दिल कर रहा है, सो नीचे से हम फ्राइज़ लेते हैं। अल्लाह करे कि फ्रेश बनी हुई हो, गरम गरम, भूख लग रही है मुझे। एक तो ये कावा या ग्रीन टी वगैरह पीना शुरू कर दो ना, तो भूख की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। सो अब हम फ्राइज़ लेते हुए जाएंगे घर। घुटना दर्द हो रहा है मेरा उतरते सीढ़ियाँ। कितनी जल्दी बुढ़ी हो जाऊँगी मैं, कभी दांत दर्द, कभी सर दर्द, कभी घुटने दर्द, बट खैर। चलो गाइस, मिलते हैं घर जाके भाई। हाँ जी, सारा कुछ पूरी होती, कितनी नींद आती है माशाल्लाह मुझे। अभी भी दिल कर रहा है जल्दी से मैं बस लेट के सो जाऊँ। खैर, आजकल मेरा फेवरेट बिस्किट है गाइस ओरियो। पहले मैंने खाया ज़ीरा प्लस, रोज़ ज़ीरा प्लस पे ज़ोर था, अब ओरियो पे ज़ोर है। ये मुझे बहुत अच्छा लग गया, और ऐसे सादा नहीं खाया जाता चाय के साथ। सो अभी मैंने शामी टिक्कियाँ खाई हैं। सो मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, सो मैंने बस दो शामी खाई, और मैं चाय के साथ बिस्किट खाने लगी हूँ। और फिर चलेंगे ऊपर भाभी से, देखते हैं क्या कर रही हैं, मिलते हैं, बातें शाते करते हैं। चलो गाइस चले ऊपर। ये हमारा बेबी नीचे आया हुआ था दादू के पास, सो इसको अब हम जा रहे हैं इसकी मम्मा के पास छोड़ने, क्योंकि इसने रोना शुरू कर दिया है। सो जल्दी से चलते हैं ऊपर और देते हैं इसको उसकी मम्मा को। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाय हाय, बड़ी प्यार बैठी हो, खैरियत है? बस वैसे ही। मैंने कहा चलो मैं भी अपने पे थोड़ा आधा घंटा लगा। अरे लाइट्स तो जलाओ फिर जरा, सेंस होया हुआ ना, आधा घंटा लगा के तैयार। आधा घंटा लगा के क्यों, खैरियत थी आज? वैसे ही मैंने कहा 12-15 घंटे घर को देता बंदा, अपने आप को नहीं 10-15 मिनट देता। आज मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा मुंह हाथ धो लूं। और तुम सुनाओ? मैं क्या सुनाऊं, आज तुमने मुझे सही पकड़ा, ऐसे ही पकड़ा करो, रोज ऐसे ही क्या करो। इतनी मंदी मुझे ले आती है अचानक आके व्लॉग में, ऐसे रोज बनाना जो तब मैं इंतजार करूं पहले। वैसे मुझे पता था, वैसे अब ये अचानक आई। अब तो सब ये तो कहेंगे ना तुम्हारी भाभी थोड़ी प्यार भी रहती है। प्यार भी रहती है, सही बात है। और सुनाओ, ठीक क्या पकाया शिकाया? आज मैंने आलू अंडे शोरबे वाले बनाए, शोरबे वाले आलू अंडे। हाँ सही है, नीचे बने हैं। नीचे क्या बना है?
नीचे बना कीमा कीमा। अच्छा बस समझ ही नहीं आती पकाने की, रोजाना ना बस कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कल मैंने शिमला में चिकन बनाया था, परसों बनाया था कल मैंने शामी टिक्की है गाइस, बीफ की चिकन की नहीं। मैंने कहा थोड़ी हटके हो जाए, चिकन की तो बंदा खाता है। आप रोटियां खाने लगी हो? हाँ। गैस कितने बजे जाती है? गैस का कोई टाइम नहीं, जब दिल करे तब करती हूं। इसलिए मैंने सोचा मैंने 3-4 रोटियां बना ली है फटाफट। सही है हां जी। काम काम काम, दिन रात करे हम काम। अम्मी मुझे घर के काम करना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे कह ऐसे तो तुम बड़ा कुछ बताती हो। नहीं गाइस रियलिटी है, मुझे घर के काम करना बहुत ज्यादा। कहते थे तू गोली नहीं तोड़नी थी ना पैनी। कौन सी गोली? सिनफ्लिक्स खा के उधर ही फेंक दी थी। चलो खैर गाइस, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करेंगे। जब सर पे पड़ती है ना सब, तब सब कुछ आ जाता है अपना। अब माँ बाप के घर में ही बड़े जो होते हैं ना, लड़कियाँ होती हैं बड़े सुकून से चिल मोल, कर लिया तो कर लिया, दिल किया तो, नहीं किया तो ना सही, ये हिसाब होता है। तो जब ससुराल में जाओ तो वो तो नहीं ना वेले बिठा के खिलाते, तब तो करना ही करना है। लेकिन खैर अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनके मेयार के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको जो है उनके ससुराल और पति देव मिले। चलो गाइस दुआ में रखिएगा याद। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। इस तरह के मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।